जय श्री माता जी। बैलेंस आवर सेल्स, टेक बंधन, फिर महामंत्र और फिर माँ की वाणी में हमने क्या ग्रहण किया उसकी एक बार बात कर लेंगे। ओके, क्लोज योर आईज। सब भूल जाइए, क्या हुआ पहले, क्या हुआ बाद में। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट हम्बल डाउन योर सेल्फ। कोई विचार नहीं करना है हमें, कोई भी विचार। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे प्रार्थना करनी है। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी मेरी अशुद्ध इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई इस जन्म में या किसी भी जन्म में, श्री माता जी आप उन सब को अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ मेरे शरीर के बाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए, माँ स्वच्छ कर दीजिए, माँ माँ प्लीज क्लेंस माय लेफ्ट चैनल। उसके बाद राइट हैंड खोलेंगे लेफ्ट हैंड आकाश में और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, नकारात्मक है, उसको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी मेरे शरीर के दाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए। ये परम पावनी माँ मेरे भविष्य में जो भी नकारात्मकताओं के आक्रमण होने वाले हैं माँ, ज्ञात और अज्ञात रूप से, उन सबको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ माँ मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए। श्री माता जी माँ मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए। माँ श्री माता जी मेरे दाएं भाग में मेरी क्रिया शक्ति, मेरी कर्म शक्ति मेरे बाएं भाग के अनुपात में हो। ऐसी भी मेरी इच्छाएं हो जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो माँ, उसके अनुसार मेरा दाया भाग कर्म करे और मैं पूर्णतया संतुलन में रहूं। माँ दोनों हाथ गोद में रख लेंगे। दोनों हाथ गोद में प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, कृपा करके मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करें। माँ मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करें। माँ श्री माता जी मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करिए। श्री माता जी हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना से धीरे धीरे ऊपर आ गई है, सहस्त्रार के ऊपर। अब इस अवस्था में हम
कुंडली चढ़ा करके एक बार बंधन लेंगे और फिर महामंत्र बोलेंगे, कुंडली चढ़ाएंगे। आंखें बंद, चित्त सहस्रार पे तीन महामंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् शिकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् शिकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता निर्मला देवी नमो नमः। गणेश ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम फिर से एक बार श्री माता जी की अमृत वाणी सुनेंगे। Not as your existence. And it is such a beautiful center, is your heart center. You want somebody to do something for you twice. You want that somebody should eat or something, you find somebody very passionate. I have told you that you can feed them, choose, do all those things, but that's a very simple way if you know how to do it. You see, you just think of their heart and put a bandhan to them. And you can do it so beautiful. You can melt a person without any know how to handle their heart. You have to appeal to their heart. And that's the best attraction method. And the best secret method by which you can bring beauty. When you are talking to somebody, suppose I, intellectually, if I start quarreling with you, you give me a video. But I have to use your heart power. I have to enter into your heart. And that is how it works. Mom, sun nahi raha acche se. Just have to use yourself in your heart. That is what. First of all, and from there, work on the heart of others. Just put
our intelligence, our ego, everything, even your super ego in your heart. So it's a amazing if you know how to approach people in your heart. And that is only possible if you are genuine. Because genuineness is something that a heart has. You can be full of a person with your cunning methods, but the heart will never lie. And the person will hate you. Even if you talk to someone, oh, very much, very good, thank you, Ben, very nice. And the heart knows how much time to be full of me. The heart is going to hate such a person. And heart has the eyes and feel the mind. But if you put a piece on the heart and put a bandhan on the heart, you can melt that person. And if you love someone and you want that person to be corrected, supposing such a person is a drunk, or a person who beats you and is torturing you because he's under the spell of some drugs or some sort of a foreign thing, then you just put bandhan to his heart and you'll see they'll be changing. They'll be changing very fast. And that's why it's a change of heart. Everywhere you find, in every scripture, it is a change of heart is needed, not a change of thoughts. So it's not intellectual change, but a rational change, but it's the change of heart. And that is brought about by moving the heart chakra on the right hand side in the clockwise manner. That is the heart itself in the clockwise manner. If you can do that, you can really do marvels. And that's how, on a collective basis, the heart is sort of the innermost string of the collective one string that is passing through all of us. So if you could strike at the innermost, because in a 3.5 circle, that's the innermost one. If you touch there, it passes over this. Supposing you touch somewhere else, then it might affect. But at the beginning, if you start striking, very nice, and passes to complete circumference. Now, जैसी माता जी, तो कितने लोग सुन पाए या समझ पाए? मिशा को ठीक से नहीं सुन रहा था, किसी ने भी बहुत ध्यान देने की बहुत जरूरी बात बताई, माने बहुत प्यारी और वेरी वेरी प्रैक्टिकल, और इसका हम प्रयोग कई बार कई जगह कर सकते हैं, और इस प्रयोग की हमको जरूरत पड़ेगी ही जीवन में हर वक्त। मैम, मैंने सिर्फ इतना सुना कि वो माता जी कह रहे हैं कि जो बंधन हम देते हैं वो हम किसी के दिल को देते हैं, ना कि किसी के दिमाग को देते हैं। बस इतना सा सुना कि मतलब बंधन देना बहुत जरूरी है, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है या कोई भी किसी स्पेल के अंडर है, तो उसको शुद्ध करने के लिए उसको बंधन दिया जाता है। बहुत सुंदर मिशा, जितना भी सुना आपने तो बहुत ही सुंदर समझाया बेटा। अब वाकई रियलाइज हो लो, बहुत सुंदर समझाया आपने। ठीक है, और बताएं किसने क्या समझाया, फिर इसका एक प्रैक्टिकल यूसेज करूंगी। 10 मिनट माने, माने हार्ट चक्रा के इम्पोर्टेंस को बताया है कि इसमें बंधन में हार्ट चक्रा का क्या इम्पोर्टेंस है। जो भी बंधन देना है हमको हृदय से मतलब देना है, इसमें दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, या कुछ भी किसी प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बताया नहीं, मैं सुन नहीं पाई, बट उन्होंने बंधन का इम्पोर्टेंस बताया थी कि बंधन से हम कुछ भी अगर सही तरीके से दें उसको हार्ट चक्र में। और कुंडलिनी के बारे में बताया, 3.5 कॉइल जो होती है वो शायद हार्ट चक्र तक
आते आते उनका उसका मैं ठीक से सुन नहीं पाई रही, कुछ ऐसी तरह से बता रहे थे। अच्छा ओके, सो ना सुन पाने के बाद भी आप लोगों ने कितना सही समझा, इसका मतलब आप लोग सब सहस्रार पे आ चुके हो। सच में सहस्रार से सुननी होती है श्री माता जी की वाणी, चाहे वो इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में चाहे मराठी में, सब समझ आता है धीरे धीरे। चाहे आवाज ही बस जा रही है, वाइब्रेशन के लेवल पे ही हम समझने लगते हैं कि माँ क्या क्या रही है। आप लोगों का स्तर बढ़ रहा है, सुन कम आवाज होने के बाद भी आपने बहुत सुंदर समझा। सो श्री माता जी बता रहे थे कि अगर आपको जैसे कोई व्यक्ति है अहंकार में है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, या मतलब कोई भी कारण हो सकता है, वो ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है या क्रोधी भी हो सकता है, आप एक पॉइंट अक्रॉस मतलब यू वांट टू मेक अ पॉइंट क्लियर टू समबडी, अपनी बात समझाना चाह रहे हो, उसको बात समझ आ नहीं रही है, तो हमको उसके हृदय को बंधन देना चाहिए, क्योंकि आप उसके दिमाग, हम किसी का दिमाग नहीं जीत सकते, तो कोई चांस ही नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, उसका इस तरफ चलेगा आपका इस तरफ। उसके अगर हमने दिल को जीत लिया, अगर हमने कोई ऐसी इमोशनल बात कह दी या उसके हृदय तक पहुंच गए, तो तुरंत हम उसको अपनी बात समझा सकेंगे। ये तो वैसे भी सच है, आईक्यू से बेटर ईक्यू होता है हमेशा, इमोशनल क्वोशेंट होता है। तो श्री माता जी बोल रहे थे कि हम उसके हृदय को बंधन दें। अब हृदय को बंधन जो जो मैंने मतलब सीखा या जाना या अनुभव के आधार पे बता रही हूँ, तो जैसे कोई व्यक्ति तो आपके सामने, आप उसके सामने उसके हृदय को तो बंधन ऐसे देना अच्छा लगेगा नहीं, वो कहेगा क्या कर रहे हो, ये है सो है। तो आप उसको जैसे कोई आपका हस्बैंड है या बेटा है या कोई भी, आप महसूस कर सकते हो कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, और आप उसके चित्त ले जाएं उस, क्योंकि आपको पता है आपके चित्त से आप सदा शिव तक भी पहुंच जाते हैं, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, चित्त के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो चित्त ले जाएं उसके हृदय पे और उसके हृदय पे ऐसे 7 times बंधन दे दें। तो इस तरह से वो थोड़ी देर में माने का उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे कि वो आपकी एकदम पिघल जाएगा, महा गुस्से में होगा, बात नहीं सुन रहा होगा। ड्रग एडिक्ट्स को भी अपनी बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट भूत बाधित ही होते हैं, वो बेचारे अपने उसमें नहीं होते, वो पजेशन में होते हैं, इसलिए वो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस तक पहुंच सके, उस तक अपनी बात पहुंचा सके। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत गुस्से में आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसकी कुंडली जागृत फॉर श्योर नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। जैसे उसकी कुंडली जागृत होती है, कुंडली जागृत होने का एकदम डायरेक्ट वो है हार्ट, इसलिए हम अपना ध्यान हमेशा हृदय से, मैं कहती हूँ हृदय में आइए, हृदय को गहरी सांस लीजिए, ये कीजिए, है ना। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे हृदय की गति होती है, तो जैसे ही हम हृदय में आते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सहस्रार के इस तरफ लेफ्ट एंड राइट हार्ट है, तो जैसे ही हमारा मतलब ब्रह्मरंध्र के इस तरफ है, तो जैसे ही हमारा हृदय खुलता है, ये हृदय खुला यहाँ पे सहस्रार, एकदम तुरंत हम सहस्रार पे आ जाते हैं। और हृदय के माध्यम से सहस्रार पे आना सबसे इजी वे है, सबसे इजी वे, इतना इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब आपको किसी की कुंडली जागृत करनी हो, तो मैं क्या करती हूँ, हृदय में अपने चित्त को ले जाती हूँ और हृदय को और सहस्रार को जोड़ देती हूँ, हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्रार। फिर मैं सोचती हूँ वो व्यक्ति सामने बैठा है, फिर मैं जाती हूँ उसके सहस्रार पे, उसकी आज्ञा पे, उसकी विशुद्धि पे और उसके हृदय पे, फिर उसके हृदय से अपने हृदय पे आती हूँ, अपने हृदय से फिर ऊपर जाती हूँ और एक स्क्वायर सा बना लेती हूँ। Did you understand? जैसे हम चित्त पहले अपने हृदय में ले गए, ठीक है, हृदय को बंधन देना किस तरह से, दो तरह से, मतलब एक तो चित्त के ही माध्यम से संभव है। आप बैठे हुए हो, आप ध्यान में चले गए, आपके अंदर पूरी ऊर्जा भरी हुई है इस समय,
और आप अपने मध्य हृदय से सहस्रार को जोड़ लो, एकदम एक बन जाएंगे। वैसे भी रियलाइजेशन का मतलब, समाधि का मतलब हृदय का बुद्धि में ही आ जाना है, और बुद्धि क्या है, मेरा मस्तिष्क यानी कि मेरा सहस्रार, ठीक है। सो जब मेरी मेरा हृदय और बुद्धि एक हो गए, मैं समाधि में आ गई, तो हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्रार, फिर उसके सहस्रार विशुद्धि आज्ञा विशुद्धि उसका हृदय, फिर उसके हृदय से अपना हृदय, फिर अपने हृदय से अपने सहस्रार, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जैसे हम त्रिकोण बनाते हैं ना, तो ये हम एक स्क्वायर बना रहे हैं। समझ में आई बात दी? पहले जैसे अपने हृदय से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, फिर सहस्रार पे जाएंगे, फिर वापस से सामने, फिर सहस्रार, उसके सहस्रार पे जाएंगे, आज्ञा पे जाएंगे, विशुद्धि पे जाएंगे, उसके हृदय पे जाएंगे, उसके हृदय से अपने हृदय में आएंगे, और ये सब चित्त के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। तो आपने उसके कुंडली जागृत कर दी, आपने उसका हृदय खोल दिया, हृदय जैसे ही उसका खुलेगा, इमीडिएटली वो आपकी बात समझने लगेगा। मतलब कि वो सामने इमेजिनरी हो पर्सन या फिर सामने इमेजिनरी, इमेजिनरी, क्योंकि आप उसको जानते तो है ही ना, पति हुआ आपका, बेटा हुआ, या कोई भी कोलीग हुआ, क्या कद काठी, क्या ये तो सब अंदाजा तो होता ही है ना। अब आंख बंद करे तो क्या मैं आपके हृदय तक नहीं पहुंचाऊंगी? मेरे को दिख रहा है आराधना बैठी हुई है, मुझे दिख रहा है ओनम बैठी है, मुझे दिख रहा है मिशा बैठी है। मैं ऐसे आंखें बंद करके भी तो चित्र रख सकती हूँ ना आप लोगों पे, अगर लेकिन उसको देखा भला हुआ होना चाहिए, अगर देखा नहीं होता है तो चित्र के माध्यम से कार्य करना, इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ वीडियो ऑन करें, तो उससे चित्र जुड़ जाते हैं और वैसे ही उसकी कुंडली उठ जाती है फटाक से। ऐसे कोई को सहज योग में भी लाया जा सकता है? बिल्कुल, उसके जब आपने सहस्रार और हृदय खोल दिया तो वो तो वैसे ही जागृत हो गया, फिर वो अपने आप आपके पीछे आएगा कि आराधना दीदी आप एक दिन बात कर रहे थे श्री माता जी निर्मला देवी की, जरा बताएंगे, तो वो अपने आप ही सहज योग में आने के लिए आपके पीछे आएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता, मैं जिसको चाहती हूँ कि ये मुझसे सहयोग पूछे, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर पड़ता है कि सहयोग की बात छिड़ जाती है और मैं उसको रियलाइजेशन दे पाती। तो हमको लोगों के हृदय से जुड़ना है, हृदय से जुड़ना बहुत आसान है, दिमाग से आप किसी के नहीं जुड़ सकते। दिमाग उसका भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिमाग टू दिमाग तो नो कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट इमीडिएट कनेक्शन, इमीडिएट। और आपके हृदय में कौन है? दुर्गा बैठी हुई है, श्री माता जी बैठी हुई है, तो आपके जो वाइब्रेशन है वो किसके हैं? श्री माता जी के वाइब्रेशन है। जैसी उसके अंदर श्री माता जी जाती है, वैसे उसको सहयोग जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ये सीक्रेट मेथड मैंने शुरू में कहा, इट्स अ सीक्रेट मेथड टू गिव बंधन टू समबडीज हार्ट, किसी के हृदय को बंधन देने का सीक्रेट मेथड है। और कुछ नहीं तो ऐसे है कि बस ये बंदा बैठा हुआ है और ये इसका लेफ्ट हार्ट है और ये लेफ्ट हार्ट पे ऐसे करके बंधन दिया 7 times, जय श्री माता जी, जय श्री माता, जय श्री माता, और वो इमीडिएटली माँ के श्री चरणों में चला गया, ठीक है। उसका हृदय एकदम पिघल जाएगा, वो आपकी बात सुनने लगेगा, या मतलब आपको